यहाँ से पहले यहाँ जाएगा, इसीलिए स्पॉट देखें, पहले यहाँ जा रही है फिर यहाँ से वहाँ जा रही है। लेकिन सवाल ये कि ऐसा नहीं है कि जब तक वहाँ से वोट नहीं जारी होगा तब तक यहाँ कोई वोट नहीं दे सकेगा। मैं मान के चल रहा हूँ लक्ष्मीनारायण जी पीठासीन अधिकारी हैं, आपको बारी बारी से मतदान करना है। और ये ध्यान रखेंगे इसमें कि ये जो मशीन है इसमें आगे आपने जिसको वोट दिया है वो पर्ची आएगी और 7 सेकंड तक वो पर्ची दिखाई देगी, 7 सेकंड के बाद अपने आप वो पर्ची बॉक्स में चली जाएगी। ये बॉक्स अभी हमारे ट्रेनिंग के लिए आज से खुला हुआ लेकिन वहाँ सब बंद रहेगा। तो अपने आप में और कमाल की बात यह है कि चेहरा बोलता है कि वोट गया, जैसे ही वही नंबर वही कैंडिडेट वही चिन्ह दिखाई देता है तो लगता है सब कुछ ठीक हो रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं, जारी कर दिया, कौन बोल रहा है, आप कोई मतदाता है, नंबर नंबर देखो, नंबर बोले, उस पर लाइट की जरिए देखिए किसको आपने दबाया, ओके कौन सा है, भैया होता है 7 आया, और जो सॉफ्टवेयर से भी जो निकले थे उसमें 808 बताए। जैसे कि अपना काफी विस्तृत चर्चा भी हुई है और आप लोगों ने जानकारी में मैंने लाया भी है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2018 के परिप्रेक्ष्य में हमने काफ़ी विस्तृत तैयारियां की हैं और सभी जो प्रकोष्ठ हैं OICs हमने बना दिए हैं, जिसमें प्रत्येक जो अधिकारी है OIC उसकी एक अलग जिम्मेदारी होगी। और चुनावों का जो बेस होता है वो वोटर लिस्ट होता है, तो वोटर लिस्ट के लिए हमने आज फाइनल पब्लिकेशन आज कर दिया है और उसकी जो प्रति है वो भी हम पॉलिटिकल पार्टियों को उपलब्ध आज करवा रहे हैं। और विधानसभा आम चुनाव के मद्देनज़र जो भी नए प्रोविजंस हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं कि आम लोगों के बीच में हो जाए। और अभी जैसे VVPAT का नया कंसेप्ट आया है वो भी मैंने आप लोगों के बीच में अभी आपको भी डेमो करके दिखाएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे, उसका भी हम पूरा प्रचार प्रसार फील्ड में करवा रहे हैं ताकि EVM VVPAT के को लेके किसी प्रकार की कोई शंका फील्ड में नहीं रहे। डबल वोटर को लेकर ज्ञापन भी दिया था, उसमें कितने वोटर जो डबल है वो नाम काटे गए? आप INC की तरफ से हमारे पास ज्ञापन आया था और उसमें पूरे ज़िले में हमने जांच करवाई थी और एग्जैक्ट फिगर मैं भी बताने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन उसमें जो भी हमें रिपीटेड एंट्री मिली, डुप्लीकेट एंट्री मिली, वो सभी हमने जांच करवाई और उनको हमने डिलीट कर दिया और वो डिलीशन होके वर्तमान जो वोटर लिस्ट है उसमें विलोपित हो गया है। जो 5 साल मतलब ये जो पिछले चुनाव से अब तक कितनी नहीं बता रहे? मैं फाइनल पब्लिकेशन का फिगर आपको बता सकता हूँ, जो मैंने बता भी दिया आपको और आपको वो सीट भी मैंने उपलब्ध करवा दी है, जिसमें जो अभी फाइनल पब्लिकेशन हुआ है उसमें जो मेल वोटर्स हैं आज की तारीख में अपने 879,628 हैं और जो फीमेल वोटर हैं वो 766,332 हैं। कुल मिला के आज की तारीख में अपने जो वोटर्स हैं बाड़मेर ज़िले में वो 16,55,960 टोटल वोटर्स हैं, जिसके हालांकि इसके बाद में अभी कंटिन्यूस अपडेशन चलेगा, उसमें भी वंचित जो मतदाता हैं वो फॉरम नंबर 6 के थ्रू अपना नाम जुड़वाने के लिए स्वतंत्र। राजनीतिक दलों से हमारी अपेक्षा, हालांकि हम इस मामले में रेगुलर बैठक भी करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि निर्वाचन नियमों के पूरी जानकारी उनको हो और जो आचार संहिता है उसके जो निर्देश हैं वो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं उनकी जानकारी में हो और आचार संहिता की पूरी पालना पॉलिटिकल पार्टियां करें और उसमें जो नियम कानून हैं जो निर्देश हैं उसकी हम पहले से उनकी ब्रीफिंग भी करेंगे ताकि कोई जानकारी के अभाव में इस प्रकार की त्रुटि नहीं रहे।